हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हेल्थ केयर के बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। दोस्तों, आज के लेक्चर में जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मतलब प्री के साथ साथ आपके मेंस, उसके साथ साथ आपके एथिक्स इंटरव्यू में भी काफी यूजफुल हो सकता है। आज हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज NHFS-5 की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स को। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, हाल ही में जो नेशनल हेल्थ एंड डेमोग्राफिक रिपोर्ट कार्ड है उसको फाइनली पब्लिश किया गया। ये जो नेशनल हेल्थ एंड डेमोग्राफिक रिपोर्ट कार्ड है, ये टू बेसिकली फेजेस, दो फेजेस में कैरी आउट किया जाता है। जो फर्स्ट फेज था उसको कंडक्ट किया गया जून 2019 एंड जनवरी 2020 के बीच में, और इस सर्वे को, इस फेजिंग को, इस पूरी फाइंडिंग को बेसिकली कैप्सुलेट किया जाता है अंडर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 या फिफ्थ राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। उन फाइंडिंग्स को जो कि फेज वन में हमें मिली, उन्हें पब्लिश किया गया दिसंबर 2020। अब जो सेकंड फेज का सर्वे है, जो कंडक्ट किया गया जनवरी 2020 एंड अप्रैल 2021 के बीच में, उसको हाल ही में रिलीज किया गया है। क्या ओवरऑल फाइंडिंग्स हैं? ऐसा लगता है कि जो टोटल फाइंडिंग्स हैं उसमें से ज्यादा फाइंडिंग्स पॉजिटिव दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ फाइंडिंग्स अभी भी हमें वरीसम दिखाई देती हैं। ज्यादातर एरियाज में ऐसा लगता है कि जो इंडिया के हेल्थ इंडिकेटर्स हैं नेशन वाइड, वो इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो फिर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हो, चाहे वो सेक्स रेशियो एट बर्थ हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। वही कुछ इंडिकेटर्स जैसे एनीमिया के इंसिडेंस, या कुछ स्टेट्स वहां पर हो सकता है सेक्स रेशियो एट बर्थ डिटोरिएट होता हुआ भी दिखाई दे रहा हो। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव फाइंडिंग्स की रिपोर्ट है, लेकिन वहीं पे ये रिपोर्ट कुछ ऐसे एरियाज को भी ईयरमार्क करती हैं जहां पर इंडिया को अब और ज्यादा फोकस करना होगा। कुछ एरियाज, कुछ स्टेट्स, हो सकता है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, या कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स, या कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स, जहां पे हमें टारगेटेड अप्रोच के थ्रू उन ग्रुप्स को, उन डिस्ट्रिक्ट्स को, उन स्टेट्स को फोकस करना होगा, ताकि वहां पर भी हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स बेटर हो सके। अच्छी चीज यह है कि ये जो फेज वन और फेज टू की ओवरऑल फाइंडिंग्स हैं, ये एक्चुअली बहुत डिटेल्ड, कॉम्प्रिहेंसिव, मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड है ऑन स्टेट ऑफ इंडिया डेमोग्राफिक एंड हेल्थ ट्रैजेक्टरी। कुछ की फाइंडिंग्स के बारे में आज के लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे। आज का लेक्चर मैं कहूंगा एनएफएचएस की टोटल फाइंडिंग्स की जो सीरीज है उसमें पहला लेक्चर हम इसको कह सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है इसके बाद हम फॉलोअप लेक्चर्स भी NFHS 5 की जो की फाइंडिंग्स बच जाएंगे आज के लेक्चर के बाद, उनको कवर करने के लिए पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। पहली की फाइंडिंग, टू एवरीबडी सरप्राइज, कि इंडिया की पॉपुलेशन अब स्टेबलाइज होती हुई दिखाई देती है। कई सारी पल्सेस, कई सारे अंडरकरंट्स इस पूरे रिपोर्ट कार्ड में दिखाई देते हैं, और अगर हम NFHS 5 को कंपेयर करें इससे पहले जो NFHS 4 कैरी आउट किया गया था, कितने साल पहले, 5 साल पहले 2015-16 में, तो बहुत सारे डायमेंशंस में, चाहे एजुकेशन अटेनमेंट हो, इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज हो, वैक्सीनेशंस हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, इसके अलावा और भी कई सारे एरियाज हैं जहां पे इंडिया की सिचुएशन बेटर होती हुई दिखाई देती है। ये जो इंप्रूवमेंट है, ये जो सिचुएशन बेटर होती हुई दिखाई देती है, क्या ये सफिशियंट है, क्या ये इनफ है, इस पे डिबेट हो सकती है। लेकिन अगर हम इंडिया की जो पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, या पूरा हेल्थ केयर ओवरऑल सिनेरियो देखें, जिसमें इंडिया की पब्लिक स्पेंडिंग रफली कितनी होगी, हमारे जीडीपी की रफली 1.1 से 1.2% के आसपास ही। वहीं पे कई कमिटीज रेकमेंड कर चुकी हैं कि जो पब्लिक स्पेंडिंग है वो कम से कम 2.5% होनी चाहिए हमारी जीडीपी की, और जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 पब्लिश हुई है उसमें भी यही टारगेट रखा गया है कि धीरे धीरे करके सेंटर स्टेट मिलके जो हमारी पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग है इसको 2.5 के मार्क से ऊपर ले जाया जाए, ताकि लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस कम हो सके, सभी तक यूनिवर्सल हेल्थ केयर पहुंच सके, हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स अक्रॉस द सेक्टर, चाहे चाइल्ड केयर हो, वुमेन केयर हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, सभी में हम इंप्रूवमेंट गेन कर सके दोस्तों। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज, और इस पॉजिटिव न्यूज की जो सबसे बड़ी धमाकेदार न्यूज मैं कहूंगा वो ये है कि फाइनली ऐसा लगता है कि इंडिया की पॉपुलेशन या इंडिया की टोटल फर्टिलिटी जो रेट है वो एक्चुअली अब जो रिप्लेसमेंट रेट है 2.1 उससे नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है। TFR या टोटल फर्टिलिटी उसको कहा जाता है कि किसी भी वुमेन के एवरेज में कितने चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं उनकी लाइफ टाइम में, उसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर हमें पॉपुलेशन को एक कांस्टेंट लेवल पे, मान लीजिए आज इंडिया की पॉपुलेशन 100 करोड़ है, तो एक कपल को कम से कम 2.1 ऑन एन एवरेज
चिल्ड्रन बेसिकली रिप्रोड्यूस करने होंगे ताकि इंडिया की पॉपुलेशन 100 करोड़ पर मेंटेन रह सके। अब ऐसा लगता है अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस इंडिया, ये टोटल फर्टिलिटी रेट जो रिप्लेसमेंट रेशियो 2.1 इससे कम नीचे होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले कुछ सर्वेज में, डीकेड्स में टोटल फर्टिलिटी रेट लगातार ड्रॉप होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन ये एक मेजर अनाउंसमेंट या मेजर फाइंडिंग मानी जा रही है NHFS-5 की कि ये अब जो रिप्लेसमेंट रेशियो है 2.1 उससे भी नीचे गिर गई है। तो हो सकता है जो हमारी टेंशन थी, वरी थी, एक मेजर एरिया ऑफ कंसर्न था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और उस वजह से हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारी जो पॉलिसीज हैं या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शायद सफिशिएंट ना पड़े हमारी पॉपुलेशन को, उसके लिए एक बहुत राहत की न्यूज इसको माना जा रहा है कि फाइनली अब कंट्री पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की जो बहुत मेजर वरी थी उससे कुछ राहत पा सकेगा और अब हम सब फोकस कर सकेंगे इन एरियाज को बेटर करने के लिए। अब शायद एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो हेल्थ केयर आउटकम्स हैं उनको कैसे इंप्रूव करें, चाहे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, एनीमिया के इंसिडेंसेस हो, टोटल फर्टिलिटी रेट हो, चाइल्ड केयर हो, ICDS हो या न्यूट्रिशन हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इनको कैसे बेटर करें रादर देन वरिंग अबाउट कि अब पॉपुलेशन कहीं और ज्यादा एक्सप्लोड ना कर दे। ये पहली मेजर फाइंडिंग हुई इस NHFS-5 रिपोर्ट की। जो सेकेंड मेजर फाइंडिंग है कि जो सेक्स रेशियो पे जो डेटा है वो पहली बार ऑब्जर्व करता है कि एक्चुअली हर 1000 मेल के लिए पहली बार 1020, मतलब फॉर एवरी 1000 एडल्ट मैन देयर आर 1020 एडल्ट वुमेन। इसका मतलब ऐसा लगता है कि जो पिछला हमारा एक लेक्चर था सेक्स रेशियो एट बर्थ के बेसिकली क्या ट्रेंड्स दिखाई देते हैं नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, एटसेट्रा, क्या बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, कहां जाते हुए दिखाई देते हैं, और उसमें एक वर्ड आपने सुना होगा, मिसिंग गर्ल्स, मतलब ऐसी बहुत सारी गर्ल्स जो हो सकता है सन के प्रेफरेंस की वजह से, ये सबको बेटा ही चाहिए, बेटा बेटी शायद प्रेफर बेसिकली ना करें, उस इश्यू से काफी हद तक हमारी कंट्री अब धीरे धीरे निजात पाती हुई दिखाई देती है। इसका मतलब जो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रहा पेट्रियार्की का, वो अब ऐसा लगता है कि लोगों को समझ में आने लगा है कि बेटा और बेटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल भी फर्क नहीं है। इसीलिए बेटी का होना, बेटे का होना, या सिर्फ बेटे का होना, बेटी का ना होना, ये एक्चुअली गलत है। बेटा और बेटी एक समान है, दोनों को पढ़ाइए, लिखाइए, उनका फ्यूचर बनाइए। और ये जो शुरुआत हमने देखी शुरू के कुछ डीकेड्स में, खासतौर से हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, कि एक्चुअली स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस टुवर्ड्स सन और बेसिकली प्रीनेटल टेस्ट या परवेजिव सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन हुआ करते थे, उनमें काफी सिग्निफिकेंट रिडक्शन हमको दिखाई देता है। अगर हमें की मैट्रिक्स की बात करें कि अगर आपको सेक्स रेशियो पे डेटा देखना है तो किस नंबर को आप देखने की कोशिश करेंगे, तो नंबर होगा सेक्स रेशियो एट बर्थ SRB। मतलब अगर आप नेचुरल SRB देखें तो पर 100 गर्ल्स SRB जो नेचुरल है, जिसमें आप कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे, तो 105 बॉयज होता है। अगर हर 100 गर्ल्स पे 105 बॉयज बेसिकली बॉर्न होते हैं तो रफली 50-50, मतलब 50% बॉयज 50% गर्ल्स एडल्ट सेक्स रेशियो हम अचीव कर पाएंगे। लेकिन जो परवेजिव सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन हैं उसकी वजह से मैस्कुलिन SRB, इसका मतलब कि एक्चुअली फीमेल्स को लोग प्रेफर नहीं करते थे, उसकी वजह से बॉयज को प्रेफर करते थे, और बॉयज को प्रेफर करने की वजह से बेसिकली हमारी जो फीमेल्स थी, हमारी चिल्ड्रन या डॉटर्स थी, उनकी बर्थ काफी कम होती हुई दिखाई दी। और ये जो नेचुरल SRB था 105 बॉयज टू 100 गर्ल्स, ये काफी स्क्यूड होके बॉयज के फेवर में चला गया और गर्ल्स के लिए अनफेवरेबल हो गया। और ये जो इम्बैलेंस बचपन में ही एट बर्थ स्टार्ट हो जाता है, फिर ये अडल्टहुड में भी लगातार कैरी आउट होता रहता है। लेकिन सेक्स सिलेक्शन सिर्फ एक रीजन हो सकता है इस स्क्यूड SRB के पीछे, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कल्चरल रीजंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से चाहे हमारा सेक्स रेशियो एट बर्थ हो या बेसिकली एडल्ट सेक्स रेशियो हो, दोनों हो सकता है हमारी फीमेल्स के, हमारे डॉटर्स के लिए या हमारी वुमेन के अगेंस्ट वर्क करते हों। जो नेचुरल SRB है, अगर आप पर 1000 बॉयज देखें तो वो रफली 952 गर्ल्स निकलकर आता है। अगर हम 2015-16 के डेटा को
अभी जो रिलीज हुआ डेटा 1921 उससे कंपेयर करें तो 1516 में जो एसआरबी था वो रफली 919 हुआ करता था, मतलब 1000 बॉयज पे 919 गर्ल्स, लेकिन ये बेटर होके अभी जो डेटा है उसके हिसाब से 929 गर्ल्स फॉर एवरी 1000 बॉयज। अभी भी जो 952 गर्ल्स पर 1000 बॉयज का जो नेचुरल एसआरबी का बेंचमार्क है उससे कुछ दूर है, बट एटलीस्ट वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, हम सही दिशा में मूव करना शुरू कर चुके हैं। जो मेजर स्टेट्स हैं जहां पे सेक्स रेशियो एट बर्थ अभी भी कम देखा जा रहा है, उसमें से कुछ जो स्टेट्स हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। कई सारी स्टेट्स में हमको ये जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है या एसआरबी है ये इंप्रूव होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कुछ स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, उड़ीसा हो, इनमें एक्चुअली ट्रेंड दूसरी तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब एसआरबी टाइम के साथ बेटर होने के बजाय एसआरबी हमें और ज्यादा बेसिकली खराब होता हुआ दिखाई देता है। तो पहला डेटा पॉइंट हो गया पॉपुलेशन स्टेबिलाइजेशन, दूसरा इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हो गई हमारी बेसिकली डेटा ऑन सेक्स रेशियो। जो तीसरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है वो है एनीमिया एंड मेल न्यूट्रिशन पे। एक इंपॉर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर है कि किस तरीके से जो एनीमिया है, एनीमिया का मतलब आयरन की डेफिशिएंसी या लोहे आयरन की बेसिकली कमी बॉडी में, खासतौर से जो अंडर 5 चिल्ड्रन है, मतलब 5 साल से कम के बच्चे हैं, उनमें एनीमिया के इंस्टेंसेस बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये एक नेगेटिव न्यूज निकल कर आ रही है कि अगर 2015 या NHFS-4 के डेटा के कंपेयर करें तो 58.6% जो हुआ करता था अंडर 5 चिल्ड्रन में वो अब बढ़ के 67% दिखाई देता है। विमेन में जो 53.1% हुआ करता था अब वो 57% दिखाई देता है। मेन में जो 22.7% हुआ करता था अब वो 25% बढ़कर दिखाई देता है अक्रॉस द स्टेट्स इन इंडिया। और एनीमिया का को बहुत मेजर डेबिलिटेटिंग इफेक्ट हो सकता है टोटल हेल्थ के ऊपर, और इस वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इसको एक सीरियस पब्लिक हेल्थ कंसर्न के रूप में कैटेगराइज किया है। अगर 20-40% इंसिडेंस हो एनीमिया का तो उसको मॉडरेट समझा जाता है। इंडियन स्टेट्स में एक लार्ज वैरायटी हमें दिखाई देती है, जैसे केरला में सिर्फ 39.4% है, वहीं अगर आप गुजरात में देख लें तो 79.7%, मतलब गुजरात में इस सर्वे के हिसाब से 79-80% जो विमेन है या अंडर 5 चिल्ड्रन है वो हो सकता है एनीमिया से सफर करते हो। केरला को अगर हम हटा दें तो बाकी जितने स्टेट्स बच जाते हैं हमारी कंट्री में वो सभी एनीमिया स्टैंड पॉइंट से सेवियर कैटेगरी में ही आते हैं, और इस वजह से एनीमिया का इंसिडेंस और बढ़ना ये एक मेजर एरिया ऑफ कंसर्न निकल कर आया है। ये एक टेम्पटिंग चीज है, कई लोगों का ये भी कहना है कि कहीं जो COVID-19 का इंपैक्ट है उसकी वजह से तो ये सिचुएशन डिटोरिएट होती हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन सर्वे के डेटा को अगर आप देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स निकल के आती हैं कि जो फेज वन का डेटा था, जो स्टेट्स को हमने फेज वन में कैरी आउट किया जो कि पेंडेमिक से पहले कैरी आउट किया गया, तो उनमें भी अगर हम देखें तो एनीमिया के इंसिडेंस पेंडेमिक से पहले भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसे स्टेट्स आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन सब में जो कि फेज वन में सर्वे किए गए, इनमें भी एनीमिया के इंसिडेंस हमको ऑन एन एवरेज इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिमिलरली जो फेज टू में स्टेट्स को कैरी आउट किया गया है, चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब एटसेट्रा एटसेट्रा, इनमें भी एनीमिया के इंसिडेंस लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब चाहे फेज वन हो चाहे फेज टू हो, एक बात बहुत क्लियर है कि एनीमिया के मामले में एक्चुअली सिचुएशन और ज्यादा वर्स होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक और मेजर एरिया मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन में तीन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं। पहला स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब है कि आपकी एज के हिसाब से आपकी हाइट कम रह गई। दूसरा वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब है आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट कम रह गया। और तीसरा इंडिकेटर है अंडर वेट। अंडर वेट का मतलब आपकी एज के हिसाब से आपका वेट कम रह गया। अगर हम मेल न्यूट्रिशन की बात देखें तो ओवरऑल पिक्चर हमको अच्छी होती हुई दिखाई देती है, ओवरऑल इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देता है। और ये जो तीनों कंडीशंस हैं, चाहे स्टंटिंग हो, वेस्टिंग हो, अंडरवेट हो, ज्यादातर ये एक साथ ऑकर होती हैं कि अगर मान लीजिए आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो हो सकता है एज के हिसाब से आपकी हाइट कम हो जाए और एज के हिसाब से आपका वेट भी कम हो जाए, और हो सकता है हाइट के हिसाब से आपका वेट भी कम रहे। लेकिन
इंप्रूवमेंट दिखाई देने के बावजूद भी ये भी क्लियर है कि ओवरऑल इंडिया में अभी भी क्रोनिक या रेकरेंट अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम वाइडली प्रेवलेंट दिखाई देती है, और इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। पॉवर्टी एक रीजन हो सकता है, पुअर मैटरनल हेल्थ एक रीजन हो सकता है, या लैक ऑफ न्यूट्रिशन एक रीजन हो सकता है, या फ्रीक्वेंट इलनेस एक रीजन हो सकता है, या इन अप्रोप्रिएट फीडिंग या फिर केयर इन अर्ली लाइफ। चाइल्डहुड में अगर आपका ध्यान नहीं रखा गया हो, अच्छा आपको चाइल्ड केयर नहीं मिला हो, तो वो भी एक मेजर रीजन हो सकता है। ये सारे फैक्टर्स किसी भी चिल्ड्रन को अपना पूरा पोटेंशियल, चाहे फिजिकल हो या कॉग्निटिव पोटेंशियल हो, रियलाइज करने में एक मेजर इंपेडिमेंट के तौर पे काम करते हैं। गुड न्यूज इज कि तीनों मेजर्स में हमको इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये डेटा हमें यह भी बताता है कि इंप्रूवमेंट तो है लेकिन अभी भी सिचुएशन बहुत रोजी नहीं है। इन तीनों इंडिकेटर्स के अलावा और भी जो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं कि जो ओवरवेट चिल्ड्रन हैं या विमेन हैं या मेन, ओवरवेट का इश्यू एक नया इश्यू निकलकर सामने आता हुआ दिखाई देता है। अंडरवेट होना एक प्रॉब्लम है, लेकिन ओवरवेट होना भी उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। और जैसे अंडरवेट मेलन्यूट्रिशन का एक इश्यू है, अंडर न्यूट्रिशन का इश्यू है, उसी तरीके से ओवरवेट होना भी एक मेलन्यूट्रिशन का ही इंडिकेटर माना जाता है। और अंडरवेट होने की वजह से कई तरह के हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, खासतौर से एनसीडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के रूप में। इसके अलावा ये जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स हैं, इसके अलावा अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं, चाहे वो मिनरल्स हों चाहे वो विटामिन्स हों, जो हमारी बॉडी फंक्शंस के लिए या एंजाइम्स प्रोडक्शन के लिए, हार्मोन्स प्रोडक्शन के लिए, बाकी सब्सटेंसेस के प्रोडक्शन के लिए, जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर भी मेजर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। न्यूट्रिशन के बारे में NHFS-5 में, खासतौर से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन ये बहुत क्लियर है कि एक्चुअली जो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स हमको चाहिए और जिस तरह का डाइटरी पैटर्न इंडिया में है, वो काफी सूटेबल है इस चीज को इंश्योर करने के लिए, जो हमारी वैरायटी है डाइट में, इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि ज्यादातर जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारी बॉडी गेन कर सके अगर हम किसी तरह का आर्टिफिशियल पुलिसिंग ना करें डाइट की। मतलब जिस एरिया में आप रहते हैं वहां पर जो नेचुरली उगता है, चाहे वो आपका क्रॉप न्यूट्रिएंट हो, चाहे वो आपका एनिमल न्यूट्रिएंट हो, उसमें इंटेक करने में अगर आपके कल्चरल वैल्यू सिस्टम अलाउ करता है, आपका फैमिली वैल्यू सिस्टम अलाउ करता है, तो उसको बेवजह जबरदस्ती अगर हम ना रोकें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी का इशू है, इसको भी रिजॉल्व करवाया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग यह भी है कि ज्यादातर एरियाज में रेट ऑफ इंप्रूवमेंट हमें दिखाई देता है, लेकिन जो रेट है, जो स्पीड है इस प्रोग्रेस की या इंप्रूवमेंट की, क्या वो सफिशिएंट है? ऐसा माना जाता है कि पिछले NHFS-3 को अगर हम कंपेयर करें NHFS-4 से, तो उस वक्त जो हमें रेट ऑफ इंप्रूवमेंट दिखाई दी उसके मुकाबले NHFS-5 की जो स्पीड है NHFS-4 के मुकाबले, वो थोड़ी कम होती हुई हमें दिखाई देती है। लेकिन यह भी कहना है कि पैंडेमिक का टाइम बीच में आ गया, उसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है पूरे हेल्थ केयर सिनेरियो पे। इसके अलावा जो NHFS-5 सर्वे है, ये और भी कई सारे एरियाज जैसे विमेन एम्पावरमेंट, ऑटोनोमी, मोबिलिटी इंडिकेटर्स, इनके ऊपर भी कई सारी इंफॉर्मेशन देता है, जो हो सकता है हम फॉलोअप लेक्चर्स में आपके सामने डिलीवर करें। एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है विमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, कि जो सिजेरियन बर्थ्स हैं वो ड्रामेटिकली इंक्रीज होती हुई हमें दिखाई देती हैं, खासतौर से जो प्राइवेट फैसिलिटीज हैं उसमें जो सी सेक्शन जिसको कहा जाता है या सिजेरियन बर्थ्स कहा जाता है, वो रफली 47.5% है टोटल बर्थ्स की। वहीं पब्लिक जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं या सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें सिर्फ 14.3%। तो क्लियरली ये जो अननेचुरल सी सेक्शंस या सिजेरियन बर्थ्स करवाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं इनके पीछे हो सकता है कि जो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, खासतौर से प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, उनका कमर्शियलाइजेशन या अनएथिकल प्रैक्टिसेस प्राइवेट हेल्थ प्रोवाइडर्स के ऊपर रिफ्लेक्शन को माना जा सकता है, जहां पे हो सकता है वो मॉनेटरी गेन को एक्चुअली ज्यादा या पैसे को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हों, जो हमारी महिलाएं हैं, विमेन है, उनकी हेल्थ या उनका जो क्या कंट्रोल है अपनी बॉडीज के ऊपर, उसके कंपेरिजन में। लेकिन एविडेंस बहुत क्लियर है कि एक्चुअली सी सेक्शन की तरफ, जो कि अनएथिकल अननेचुरल वे ऑफ बर्थ सिस्टम है, उसकी तरफ प्राइवेट हेल्थ केयर का जो ये ट्रैक हमको दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं इसको अरेस्ट करने की, रोकने की जरूरत हमें दिखाई देती है। तो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, खासतौर से
हमारी पॉपुलेशन को लेके, खासतौर से हमारे सेक्स रेशियो के डेटा को देख के, खासतौर से सेक्स रेशियो एट बर्थ के डेटा को देख के, फिर विमेन एम्पावरमेंट को देख के, सी सेक्शन के डेटा को देखते हुए, इसके अलावा कौन से स्टेट्स ने बेटर किया है, कौन से स्टेट्स ने बेटर नहीं किया है, एनीमिया की क्या सिचुएशन है, मेल न्यूट्रिशन की क्या सिचुएशन है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।